महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, 100 पुत्र मेरे मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, पिछले जन्म में आप एक राजा थे, आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण थे, उनके पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजापालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो, हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को हो आओ। ब्राह्मण ने राजा से बात की और राजा के संरक्षण में हंस और उसके बच्चों को छोड़कर चला गया। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई, आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है पर हंस का मांस नहीं खाया, आपने हंस के दोनों बच्चे भूनकर खा लिए, आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया, हंस के एक एक कर 100 बच्चे हुए और आपने सबको खा लिया, अंततः हंस का जोड़ा मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण लौटा और हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया, हंस बीमार होकर मर गए, आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधा विश्वास किया था, आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खाने के पाप से आपके 100 पुत्र हुए जो लालच में पड़कर मारे गए। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात, आप उसी का फल भोग रहे हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।